हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम हैं इंडिया के नंबर वन पॉलिटेक्निक ऐप एएस टेक्निक। ज्वाइन एएस टेक्निक ऐप बिकॉज यहां आपको मिलेगी वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, जिससे होगी आपके डेटा की बचत। वीडियो के बगल में होगी उसकी पीडीएफ, तो नोट्स को ढूंढने की झंझट बिल्कुल खत्म। यहां आपको मिलेगी टॉपिक वाइज वीडियो, तो डोंट फेयर बिकॉज एएस टेक्निक हेयर। कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ एएस टेक्निक आपको देता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां आपको मिलती है वन नाइट सीरीज, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होती है बेहतर से कुछ और ज्यादा बेहतर। ऐप पर मिलेगा बुक स्टोर, जहां बुक्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर और फ्री होम डिलीवरी का वादा। तो अभी के अभी ज्वाइन कीजिए एएस टेक्निक ऐप, और हां, अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7310111134 पे कॉल करें और एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन करें। आपके सेमेस्टर की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए एस टेक्निक मेक योर माइंड शार्पर। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए, सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, सीएनसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए, सभी को वेरी गुड इवनिंग। और ये जो आपकी क्लास है, सेशन है, ये आपका ए एस टेक्निक एप्लीकेशन पे भी चल रहा है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ ए एस टेक्निक ऐप पर जुड़े हुए हैं, तो वो इस सेशन को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, सारी ब्रांचेस, सारा कोर्स अवेलेबल है। तो जाइए, कॉन्टेक्ट करिए बाबा बिट्टू नाथ के नंबर पे और अभी जाइए अपने कोर्स को परचेस कर लीजिए। चाहे आप मैकेनिकल आरएसी की हो, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल हो, या फिर आप लोगों की जो ब्रांच है वो मैकेनिकल प्रोडक्शन हो। ठीक है, सारी ब्रांचेस, सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अभी चाहिए कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इससे बात कर रहे हैं, किसकी, सॉफ्ट रिमूवल की हम बात कर रहे थे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो हमारा ब्लॉक डायग्राम था, इसमें हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। इसी के आगे हम क्या करेंगे, इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट रिमूवल की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी हमें कटिंग प्रोसेस करनी होती है, चाहे आप इसमें वुड कटिंग प्रोसेस करते हो या फिर आप कोई मेटल कटिंग प्रोसेस करते हो, तो उससे जो वेस्टेज निकलता है, ठीक है, उससे जो वेस्टेज निकलता है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, अगर आप सीएनसी मशीन के अंदर कोई भी ऐसी कटिंग प्रोसेस करते हो या कोई भी ऐसी मेटल कटिंग प्रोसेस करते हो, तो उससे जो हमारा सीएनसी मशीन है, इसके इंटरनली जो पार्ट्स है वो क्या हो सकते हैं, हार्म हो सकते हैं, ठीक है, खराब हो सकते हैं। तो इसलिए आपको फिर उसका जो मेंटेनेंस है, वो आपको इसमें फिर से मेंटेनेंस कॉस्ट को इंक्रीज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जो हमारा इसमें सॉफ्ट रिमूवल होता है, यानी कि जब भी आपको हाईली कटिंग प्रोसेस अगर कोई भी करनी होती है, तो आप इसमें इस टाइप की मशीन का यूज कर सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट रिमूवल मशीन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो अगर हम डायग्राम की बात करते हैं, तो इसका हमारा जो है सिंपल सा इसका हमारा डायग्राम होता है। ठीक है, अगर आप ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहते हो, तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो, ब्लॉक डायग्राम आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका क्या बनाना है, ब्लॉक डायग्राम आपको इसमें बनाना है। तो देखो, अगर हम इससे बात करते हैं सॉफ्ट रिमूवल की, तो जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि जो भी हमारा यहाँ वर्क पीस होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ये सेक्शन और इस वाले सेक्शन के थ्रू इसको क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, सेंटर टू सेंटर हम इसमें क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, जिससे हमारा इसमें जो भी वर्क पीस है, चाहे वो हमारा मेटल का पीस हो, चाहे वो हमारा लकड़ी का टुकड़ा हो, वुड पीस हो, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको हम फिक्स कर सकते हैं। और जो भी हमें इसमें कटिंग प्रोसेस करनी होती है, जैसा भी इसको हमें किसी भी डिजायर शेप में जैसा भी हमें कट करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से कट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, स्पिंडल लगा हुआ होता है,
ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जो भी इसमें वेस्टेज निकलता है वो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक कंटेनर में हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। चाहे आप इसमें मेटल कटिंग कर रहे हो तो इसमें जो मेटल चिप्स निकलती है, चिप्स के फॉर्म में आप कह सकते हो, ठीक है, या फिर जो इस तरीके से क्या निकलता है, वेस्टेज निकलता है, ठीक है, इस तरीके से कर्ली फॉर्म में निकलता है, छोटे छोटे फॉर्म में भी निकल सकता है, बड़े बड़े कर्ली फॉर्म पे भी क्या करते हैं, ये वेस्टेज जो है वो निकलता है। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, बॉटम सेक्शन में एक कंटेनर लगा हुआ होता है उसमें हम पूरी तरीके से उसको फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इसको स्टार्टअप करने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इसको स्टार्टअप करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, ड्राइव मोटर पी ड्राइव का यूज करते हैं, और ये जो पूरा सेक्शन को इसमें फिक्स किया जाता है ये हम किस पे करते हैं, स्पिंडल यूनिट पर। अब जैसे मान लो कि अगर हम लकड़ी के टुकड़े को अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, आसानी से इसमें हम फिक्स तो कर सकते हैं, और जो भी हमारा इसमें वर्क पीस होता है, जैसा हमें इसमें बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वर्क पीस को बना सकते हैं, ठीक है, जैसा भी उसका हमें शेप चाहिए है, साइज चाहिए है, जो भी हमें उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए होता है उसको हम बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा क्या है कि जब भी आप मेटल कटिंग करते हो तो इसमें क्या है कि ये सारे जो हमारे पार्ट्स बने हुए हैं ये भी किसी ना किसी मटेरियल से बने हुए होंगे, ठीक है। अगर हम इसमें किसी मेटल की कटिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जनरेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि मेटल टू मेटल का क्या बन रहा है, कॉन्टेक्ट सर्फेस बन रहा है, ठीक है, कॉन्टेक्ट सर्फेस बनेगा तो इसके कारण क्या हो सकता है कि अगर इसमें आप कोई भी मेटल कटिंग करते हो तो ये हमारी मशीन के लिए डेंजरस हो सकता है, इससे हमारी मशीन भी खराब हो सकती है। तो उसको पर्टिकुलरली क्या किया जाता है, कूलेंट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि कंटिन्यूअसली हम इसमें क्या करते हैं, ठंडक देते रहते हैं, कूलेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। आप इसको किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, ठीक है, आप वाटर के फॉर्म में दे सकते हो, यानी कि आपको बेसिकली करना क्या है, आपको इसको कूलेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कूलेंट साइकिल का यूज किया जाता है, जिससे प्रॉपरली अगर हम कोई भी जो प्रोसेस कर रहे हैं अगर वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हो रही है और उसमें क्या हो सकता है कि अगर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है तो उसमें वियर एंड टियर भी हो सकता है, टूट फूट भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे हमारी जो मशीनिंग है वो पूरी तरीके से बेकार हो सकती है, खराब हो सकती है। फिर इसमें जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे वो आपको एक डिजायर प्रोडक्ट आपको इसमें बिनका जो इसमें हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसमें क्या कहलाता है, सॉल्ट रिमूवल मशीन कहलाता है। सिंपल सा आपको इसमें क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम आपके इसमें बनाना, ठीक है। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, जो हमारी सॉल्ट रिमूवल मशीन होती है, ये जो हमारी मशीन है कुछ इस टाइप से ये हमें दिखाई देती है, ठीक है। जब आप इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हो तो इसमें आप क्या करते हो, सिर्फ मेन पार्ट्स को ही इसके अंदर में आप इसको इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी सॉल्ट रिमूवल मशीन होती है, ये हमारी बेसिकली किसके लिए डिजाइन किया गया है, सीएनसी मशीन के लिए इसको डिजाइन किया गया है, जिसमें हम कई सारे कटिंग कंडीशंस को, ठीक है, या फिर हम अपने कटिंग टूल्स जो भी आप यूज कर रहे हो उसको क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, अपने जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो जब भी हमें सीएनसी मशीन पे बहुत ज्यादा कटिंग प्रोसेस करनी होती है तो जो भी इसमें सॉल्ट रिमूवल होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट रिमूवल मशीन का हम उसकी जगह यूज कर सकते हैं। आप इसमें सीएनसी मशीन का डायरेक्टली आप इसमें कोई भी कटिंग प्रोसेस के लिए यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें अगर कोई भी मटेरियल को अगर आप कट करते हो तो इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट निकलता है, वेस्टेज निकलता है। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, एक सेपरेट सॉल्ट रिमूवल मशीन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारे जिसमें हाईली पर्पस के लिए इसका यूज किया जा सकता है। फिर इसमें हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, इन समस्याओं से बचने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे सीएनसी मशीन टूल होते हैं, ठीक है, सीएनसी मशीन टूल के साथ साथ इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसा अगर हमें कोई भी कटिंग प्रोसेस करनी है या जो भी हमारा कटिंग जोन होता है तो इसमें एक डिस्पोजल टाइप का क्या लगा हुआ होता है, बॉटम कंटेनर लगा हुआ होता है, जिसमें जो भी सॉल्ट निकल रहा है उसको हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे जहां पे भी हमें कोई भी कटिंग प्रोसेस करनी है तो वहीं पर हम क्या कर लेते हैं, एक कंटेनर को फिक्स कर दिया जाता है। जैसे अगर आप लोग वर्कशॉप गए तो वर्कशॉप में आपने देखा होगा जो हमारी कारपेंटरी शॉप होती है, ठीक है, जैसे लकड़ी को कट किया जाता है तो उससे भी क्या निकलता है, वेस्टेज निकलता है, सॉफ्ट निकलता है, तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं, कंटेनर में उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। और एज पर पर्पस हम इसमें जो है, सिर्फ हम इसमें ऐसा नहीं है कि जो हम कटिंग प्रोसेस हम कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिर्फ इसका ही हम यूज कर पाए, ठीक है, हम जो इसमें वेस्टेज भी निकल रहा है तो उसका भी हम क्या कर सकते हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं,
रिसाइकिल कर सकते हैं, जिससे हमारे इसमें क्या है अलग अलग पर्पस के लिए आप इनका यूज भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम इससे बात करते हैं, ये तो हो गया इससे हमारा क्या सॉल्ट रिमूवल। ठीक है, सॉल्ट रिमूवल इसमें हमारे जो है कटिंग जोन के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ मशीन टूल के लिए भी हम क्या करते हैं इस टाइप के सॉफ्ट रिमूवल या सॉफ्ट डिस्पोजल का यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे इसमें क्या होते हैं इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, ये जो हमारी सॉफ्ट रिमूवल मशीन होती है कुछ इस तरीके से ये हमारी क्या करती है वर्क करती है, जो अनवांटेड वेस्टेज होता है, ठीक है, जो इसमें हमारा सॉफ्ट निकलता है वेस्टेज जो निकलता है उसको इस तरीके से बॉटम कंटेनर पे क्या कर लिया जाता है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्या कहलाता है सॉल्ट रिमूवल मशीन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है सेफ्टी एंड गार्डिंग। तो सेफ्टी एंड गार्डिंग यानी कि इसमें आपको जो है जैसे हम कोई भी मेटल कटिंग करते हैं या कोई भी अगर हम लकड़ी के टुकड़े को काटते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर आप सामने ही क्या कर रहे हो कोई प्रोसेस कर रहे हो, अगर आपने कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशन का यूज नहीं किया है तो ये आपके लिए भी क्या हो सकता है बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी इस तरीके की प्रोसेस करते हो, कटिंग प्रोसेस करते हो, चाहे वो हमारी वुड से कटिंग हो, चाहे इसमें हमारी कोई भी मेटल से रिलेटेड कोई भी आप कटिंग प्रोसेस कर रहे हो, तो ये क्या है कि जैसे आप कोई भी कटिंग करते हो तो ये आपकी आईज को हार्म कर सकता है, आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है, तो इसके द्वारा आपको कई सारी सेफ्टी भी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो इसमें आप मशीन गाइडवेज का भी यूज कर सकते हो, साथ ही साथ इसमें जो भी ऑपरेटर इस मशीनिंग पे काम कर रहा है उसकी सेफ्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसको भी अपनी सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप कोई भी सॉफ्ट रिमूवल मशीन पे काम कर रहे हो तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको हर एक मशीन पे क्या करना है कार्य करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इससे बात करते हैं, ये तो हो गए इसमें हमारे क्या मेन पॉइंट्स। ठीक है, फिर साथ ही साथ इसमें अगर हम मशीन गाइडवेज के क्या-क्या प्रोटेक्शन हम इसमें बात कर सकते हैं, तो जैसे आप इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन सेंसर का यूज कर सकते हो, आप इसमें क्लैंपिंग सेंसर का यूज कर सकते हो, आप इसमें वर्क टेबल कंट्रोल सेंसर का यूज कर सकते हो, और मेजरिंग डिवाइस सेफगार्ड का आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जो भी अगर आप कोई भी मेजरिंग डिवाइस का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो पहले उसको अच्छे से चेक कर लो, उसके बाद उसका क्या करो यूज करो। ठीक है, या जो भी आप वर्किंग टेबल पे कोई भी अगर आप वर्कपीस को फिट कर रहे हो तो पहले आप ये देख लो कि जो हमारा वर्कपीस है वो बिल्कुल तरीके से फिट हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, अगर अच्छे से फिट नहीं हुआ है तो उसको क्या कर लो पहले उसको टाइटन कर लो। ठीक है, जिससे वो क्या है कि अगर आप उस पर कोई भी प्रोसेस करो तो वो आप पर क्या करे हार्म ना करे। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आप कई सारे क्लैंपिंग का भी यूज कर सकते हो। क्लैंपिंग सेंसर का मतलब क्या है कि जब आप वर्क पीस को रखते हो तो उसको चारों तरफ से क्या कर दो फिक्स कर दो कि जो इधर जो इधर उधर मूव ना करे। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आप प्रोटेक्शन सेंसर का भी यूज कर सकते हो, अगर इस पर बहुत ज्यादा ओवरलोड पड़ रहा है मशीन पे तो उसके लिए आप इसमें प्रोटेक्शन सेंसर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आप इसमें क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम इससे बात करते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन सेंसर। ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन सेंसर का यूज क्यों किया जाता है, सबसे पहला इसमें हमारा जो पॉइंट आता है वो यही पॉइंट है। ठीक है, ये सारे हमारे मशीन गाइडवेज के क्या है कि आप इसमें प्रोटेक्शन किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है ओवरलोड प्रोटेक्शन सेंसर, ये क्या होता है कि जो भी हमारी इसमें मेन मोटर होती है जिससे हम कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं या हम बोल सकते हैं उसको स्टार्टअप करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी इसमें क्या कहलाती है मेन मोटर कहलाती है, जो कि एनर्जी मेन मोटर से दिया जाता है। तो इस टाइप का जो हमारा सेंसर होता है इसको हम मेन मोटर में या तो इंस्टॉल करते हैं या तो उसको हम क्या कर देते हैं मेन मोटर में ही उसको फिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी इस टाइप की जो मशीन होती है इसमें क्या है कि अगर ये ओवरलोड हो रहा है तो इसमें एक रेड सिग्नल का यूज करते हैं। ठीक है, या रेड लाइट का यूज करते हैं जो हमें क्या करती है सिग्नल प्रोवाइड करती है, या सायरन जैसा हम बोल सकते हैं कि अगर जैसे बहुत ज्यादा हैवी लोड हो रहा है तो ये क्या करेगा ये जो अलार्म है या जो सायरन है वो क्या हो जाता है
बजने लगता है, ठीक है, जिससे हमें इसमें पता चल जाता है कि इस मशीन पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है। तो उसी सेम केस पर आपको क्या कर देना है, वही ऑन द स्पॉट आपको इस मशीन को बंद कर देना है, नहीं तो ये आपकी जो पूरी मशीन है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर इसमें आपने इस मशीन की कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप वर्क करवाओगे तो ये मशीन क्या हो जाएगी, खराब हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन सेंसर जो होता है वो हमारा किसमें फिट होता है, मेन मोटर में उसको हम इंस्टॉल करते हैं, फिट कर दिया जाता है, जिससे हमें पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप जैसे भी आप कोई भी प्रोसेस करते हो तो आपको पता चलता रहे कि कहां जो हमारे इसमें प्रोसेस हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे इसमें जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो ये बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहा हो, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा इस मशीन पर वेटेज डाल दिया हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें इस टाइप के सेंसर का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या दिया गया है, क्लैंपिंग सेंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या आ जाता है, क्लैंपिंग सेंसर। तो क्लैंपिंग सेंसर का यूज क्यों किया जाता है, तो क्लैंपिंग सेंसर की अगर हम इससे बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हमारा क्या होता है कि जैसे हम इसमें कई सारे क्लैंपिंग डिवाइसेस का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। इसमें हमारा जो क्लैंपिंग डिवाइस होता है, जैसे हमारा इसमें मशीन टूल्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो, साथ ही साथ अगर आप कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो तो भी आप इसमें क्या कर सकते हो, क्लैंपिंग सेंसर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारे इसमें क्लैंप होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, जी क्लैंप हो गया, सी क्लैंप हो गया, ठीक है, अलग अलग टाइप के ये हमारे क्या होते हैं, क्लैंप होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको हम जो भी हमारा ऑपरेशन जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप मिलिंग कर रहे हो, कटिंग प्रोसेस कर रहे हो, या जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, ये जो हमारे इसमें कटिंग ऑपरेशन से पहले ही जो हमारा वर्कपीस होता है उसको हम क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं, ठीक है। फिट आप बोल सकते हो, जो हमारा वर्किंग टेबल होता है उसी के ऊपर ही इसको क्या किया जाता है, क्लैंप कर दिया जाता है अपने वर्कपीस के साथ, जो इधर उधर मूव ना करे, ठीक है। और इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो वो बहुत एक्यूरेट के साथ जैसा आपको चाहिए है वैसा प्रोडक्ट इसमें हमारा बनकर तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, क्लैंपिंग सेंसर होते हैं। अब इसमें जो हमारा क्लैंपिंग डिवाइसेस का तो आप यूज करते हो, लेकिन इसमें सेंसर वर्ड को क्यों जोड़ा गया है, तो सेंसर का देखो जैसे कि ये हमारे जो मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं ये हमारे एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे जैसे अगर हम CNC मशीन की बात करते हैं तो जो इसमें हमारा कंप्यूटर होता है MCU से कनेक्टेड होता है, MCU हमारा इसमें जो भी आप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो उससे ये हमारा कनेक्टेड होता है, ठीक है। वैसे इसमें हमारा जो क्लैंपिंग सेंसर होता है ये भी हमारा MCU से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो अगर इसमें कोई भी जो वर्कपीस है वो अच्छे से अगर फिट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसमें सेंसर लगा हुआ होता है जो क्या करता है, आपको MCU में सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिससे आप लोगों को इसमें पता चल जाता है कि जो हमने इसमें अपने वर्कपीस को वर्क टेबल पर जो हमने फिक्स किया है वो अभी बिल्कुल पूरी तरीके से फिक्स नहीं हुआ है। तो उसको एक बार फिर से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये हमारा जो क्लैंपिंग सेंसर होता है वो इस तरीके से क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। ये हमारे इस तरीके से जो अलग अलग टाइप्स के जो हमारे इसमें सेंसर होते हैं इनका अपना अपना क्या होता है, उद्देश्य होता है, अपना अपना अलग अलग पर्पस होता है जिनके लिए इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम इससे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, हमें वर्क टेबल कंट्रोल सेंसर दिया गया है। तो वर्क टेबल यानी कि ये हमारा क्या होगा, जहां पर हम अपने वर्क पीस को रखते हैं और वर्क टेबल के ऊपर इसको हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इस टाइप के सेंसर का यूज किया जाता है, ठीक है। किसका यूज किया जाता है, वर्क टेबल सेंसर का हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं जहां पर हमें कोई वर्किंग प्रोसेस करनी होती है। तो इसमें आपको देखना होता है वर्किंग टेबल का क्या मूवमेंट है, ठीक है, वर्किंग टेबल का क्या मूवमेंट है। अगर वर्किंग टेबल जो हमारी होती है अगर वो अच्छे से क्या कर रही है, मूव नहीं कर पा रही है या इधर उधर मूव नहीं कर पा रही है, एक जगह फिक्स हो गई है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, इसमें आप वर्क टेबल कंट्रोल सेंसर का यूज कर सकते हो। और जैसे मान लो कोई हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपको वर्क टेबल को इधर उधर आपको मूव करना नहीं होता है, ठीक है, आपको एक ही जगह क्या करना होता है, उसको रख देना होता है या फिक्स कर देना होता है, जिससे आप कोई भी प्रोसेस को आसानी से कर पाओ। तो इधर उधर मूव ना करने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो, वर्किंग टेबल कंट्रोल सेंसर का भी यूज कर सकते हो, जिससे आप वर्किंग टेबल जहां पे भी आप कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो तो
उस पर्टिकुलर एरिया को भी आप क्या कर पाओ, कंट्रोल कर पाओ। ठीक है, तो ये भी जो पूरा सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है वो किस में चला जाता है, एमसीयू में ये पूरे सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे हमें इसमें पता चल जाता है कि जो हमारा वर्किंग टेबल है वो अभी अच्छे से फिक्स नहीं हुआ है। अगर वर्किंग टेबल अच्छे से फिक्स नहीं होगा तो उसके ऊपर जो हमारा वर्क पीस रखा हुआ होता है वो भी इसमें हमारा अच्छे से फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्या कहलाता है, वर्क टेबल कंट्रोल सेंसर कहलाता है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमें क्या दिया गया है, मेजरिंग डिवाइस सेफगार्ड्स। तो मेजरिंग डिवाइस सेफगार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्या किया जाता है, सेफ गार्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे अभी हमने देखा क्या इसमें हम सॉफ्ट रिमूवल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसी को हम हैवी डस्ट पार्टिकल रिमूव को, यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर हमें बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना होता है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कई सारे मेजरिंग डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा सॉफ्ट रिमूवल का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो उससे भी जो भी हमारा हैवी डस्ट पार्टिकल निकल रहा है या जो भी वेस्टेज निकल रहा है तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर जहां पे भी आप कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो वहां से आप उसको आसानी से रिमूव कर सकते हो। जैसे आप कोई भी जैसे मिलिंग प्रोसेस करते हो तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी इस टाइप का वेस्टेज निकलता है ना। आप इसमें मिलिंग कटर का यूज करते हो तो मिलिंग कटर से भी आप जो भी मेटल कटिंग करते हो या जो भी आप लकड़ी के टुकड़े को जो भी काटते हो, ठीक है, तो उससे भी क्या निकलता है, वेस्टेज निकलता है। वैसे अगर हम इसमें प्लेनर शेपर मशीन की बात करते हैं तो उससे भी क्या निकलता है, वेस्टेज निकलता है। ठीक है, तो इसमें जो भी चाहे वो हमारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हो या हैवी डस्ट पार्टिकल हो, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कई सारे ऐसे मेजरिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं या हम बोल सकते हैं कई सारी मशीन्स का यूज किया जाता है। अगर इस तरीके से हमें हैवी हैवी पार्टिकल्स को अगर हमें रिमूव करना होता है या डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना होता है तो उसके लिए हम अलग अलग पर्पज के लिए क्या करते हैं, इस टाइप के मेजरिंग डिवाइसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्या है कि सॉफ्ट रिमूवल हो गया, और इसमें हमारा जो सीएनसी मशीन होता है इसमें हम कौन कौन से जो है सेंसर का यूज करते हैं, ये जो हमारे इसमें सेंसर होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये सारे जो हमारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये हमारे देखो चैप्टर नंबर 1 में ही ये हमारा अभी इंट्रोडक्शन पूरा पार्ट चल रहा है। इंट्रोडक्शन जो आपका चैप्टर है यही आपका थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। ठीक है, और इसमें आपसे जो है पूरा इंट्रोडक्शन बोला गया है, यानी कि सीएनसी मशीन के चाहे वो हमारे कोई एक्सटर्नली पार्ट हो या इंटरनली पार्ट हो, अब जो सीएनसी मशीन है तो इसमें हम कई सारे सेंसर का भी यूज कर रहे होंगे, तो इसमें आपको हर एक एलिमेंट के बारे में, हर एक आपको इसमें कंपोनेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट क्या है और किस तरीके से वर्क करता है, चाहे वो इसमें हमारा कोई इंटरनल कंपोनेंट हो चाहे इसमें हमारा कोई भी एक्सटर्नल कंपोनेंट हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी हमारा जो पूरा कॉन्टेंट है, अगर जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप सोचो कि यहाँ पर हमारी जो क्लासेस अभी इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है, आगे के चैप्टर कब स्टार्ट होंगे, तो अगर आप लोग अभी से अपनी पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप AS Technic एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। AS Technic एप्लीकेशन पर आपको सारे सब्जेक्ट जो है अवेलेबल है, तो जाइए कोर्स को परचेस करिए और अपनी जो भी प्रिपरेशन आप करना चाहते हो आसानी से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी आपके इलेक्टेड सब्जेक्ट है, चाहे आप मैकेनिकल RAC से हो, मैकेनिकल CAT से हो, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल हो या मैकेनिकल प्रोडक्शन हो, सारे ब्रांचेस सारे कोर्स अवेलेबल है, तो जाइए कोर्स को परचेस कर लीजिए, अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, क्योंकि आपका इसमें जो कंटेंट है वो बहुत सारा है, इतने कम समय में आप अपना पूरा जो कंटेंट है आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। अभी से जब आप अपना कंटेंट स्टार्ट करोगे तब जाकर आप अपना पूरा जो कंटेंट है उसको आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी चाहिए कांटेक्ट करिए बाबा बिट्टू नाथ के नंबर पे 7310111134 या 7860111134 पे आप कांटेक्ट करिए, और अभी चाहिए एग्जाम ऑफर भी चल रहा है, महा ऑफर चल रहा है, तो अभी चाहिए कोर्स का लाभ उठाइए। ठीक है, और अभी चाहिए एनरोल हो जाइए और अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। तो आज का जो हमारा ये सेशन था जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छे लगे तो सेशन को लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है कि कौन सी क्लास आपकी कब चलती है, तो वो आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दिया जाता है, या जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, वो आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाता है। ठीक है, चलिए।
लाइफ का टाइमिंग बता दें, लाइफ का जो आपका टाइमिंग रहता है, सीएनसी की अभी आपकी क्लास चल रही है, इंडस्ट्रियल की नहीं चल रही है, ठीक है। तो जो आपकी सीएनसी क्लास होती है वो आपका 3:30 पर क्लास जो है वो आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये जो आपकी क्लास है इसमें हम टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं, अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है, अभी सिर्फ आपकी सीएनसी की क्लासेस स्टार्ट हुई है, ठीक है। इंडस्ट्रियल की भी आपको कुछ क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप यूट्यूब पर चेक करिए, इंडस्ट्रियल की भी आपको कई सारी ऐसी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और जो सारी क्लासेस है वो ऑलरेडी एएस टेक्निक एप्लीकेशन पे तो है ही, तो आप जाकर इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जाकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम हैं इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक ऐप एएस टेक्निक। ज्वाइन एएस टेक्निक ऐप बिकॉज यहां आपको मिलेगी वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, जिससे होगी आपके डेटा की बचत, वीडियो के बगल में होगी उसकी पीडीएफ, तो नोट्स को ढूंढने की झंझट बिल्कुल खत्म। यहां आपको मिलेगी टॉपिक वाइज वीडियो, तो डोंट फेयर बिकॉज एएस टेक्निक हेयर। कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ एएस टेक्निक आपको देता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां आपको मिलती है वन नाइट सीरीज, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होती है बेहतर से कुछ और ज्यादा बेहतर। ऐप पर मिलेगा बुक स्टोर, जहां बुक्स